वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर और मैं हूं आशीष। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों के पेरेंट्स को फीस जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के ऐसे लाखों पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है। कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों को सत्र 2020-21 में फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं क्या है यूपी के स्कूलों में फीस को लेकर यूपी सरकार का अहम फैसला और इससे आपको क्या होगा फायदा। दरअसल शासन की तरफ से यूपी के सभी जनपदों के डीएम को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूपी में संचालित सभी बोर्ड के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए फीस में बढ़ोतरी नहीं करें। साथ ही 2019-20 में जिस फी स्ट्रक्चर के तहत छात्रों का एडमिशन लिया गया था, नए सत्र में भी उसी आधार पर सबको प्रवेश दिया जाए। शासन की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को कहा गया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। साथ ही किसी छात्र या अभिभावक को 3 माह की एडवांस फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। यूपी सरकार के इस फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि CBSE, भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी ICSE, इंटरनेशनल बैकलॉरेट यानी IB और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी IGCSE के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। शासन की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स से ले ली है तो अगले शैक्षणिक सत्र में इसे एडजस्ट करना होगा। सरकार के आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि किसी स्कूल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में फीस बढ़ोतरी कर बढ़ी दर से शुल्क ले लिया है तो आगामी 3 महीने में यह अतिरिक्त शुल्क समायोजित करना होगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच कुछ स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, लेकिन इसी बीच निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर कई शहरों से शिकायतें आ रही थी। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए योगी सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है। यूपी के स्कूलों में फीस वृद्धि संबंधी आदेश को लेकर सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पेरेंट्स को फीस जमा करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लॉकडाउन के कारण कुछ छात्र छात्राओं और उनके पेरेंट्स के रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इन स्थितियों को देखते हुए सरकार ने फीस वृद्धि न करने का आदेश जारी किया है। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनहित और छात्र हित को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ यूपी शुल्क निर्धारण अधिनियम 2018 के तहत गठित जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत की जा सकेगी। तो ये थी यूपी में स्कूलों की फीस को लेकर योगी सरकार के फैसले पर हमारी खास रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी बाकी की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।